मुकेश अंबानी ने अपने बेटे आनंद अंबानी के लिए दुबई का सबसे महंगा विला खरीदा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इसके लिए 640 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस घर को खरीदने के लिए इसी साल अप्रैल में दुबई की बेलेव्यू रियल एस्टेट के साथ उन्होंने एक सौदा किया है। पाम जुमेरा आइलैंड पर बना ये शानदार विला कुछ मामलों में उनके मुंबई स्थित घर एंटीलिया से भी आगे है। आज बात मुकेश अंबानी के इस नए घर की, साथ ही जानेंगे कि आखिर पाम जुमेरा आइलैंड पर बने घर की डिजाइनिंग खास क्यों होती है। फारस की खाड़ी में बनाया गया ये आइलैंड बेहद खूबसूरत दिखता है। इसके उत्तरी हिस्से में मुकेश अंबानी का ये विला करीब 3,300 स्क्वायर फीट में फैला है। इस आलीशान विला को इटली के महंगे संगमरमर और बेहतरीन कलाकृतियों से सजाया गया है। इस घर में 10 लग्जरी बेडरूम और इंडोर जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की भी सुविधा है। अब जानते हैं पाम जुमेरा आइलैंड की खूबी, जिसकी वजह से मुकेश अंबानी ही नहीं दुनिया के कई दूसरे करोड़पति इस आइलैंड पर घर खरीदना चाहते हैं। पाम के पेड़ के आकार में बना ये आइलैंड आज दुबई की पहचान है। पाम के पेड़ जैसा आकार होने के कारण ही इस आइलैंड का नाम पाम जुमेरा रखा गया। समुद्र के बीचों बीच बने इस आइलैंड को रेत और चट्टानों से बनाया गया है, जिसे बनाने के लिए 70 लाख टन से ज्यादा पहाड़ का खनन किया गया था। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में होने के बावजूद मुकेश अंबानी के नए घर पर समुद्री लहरों या तेज हवाओं का कोई असर नहीं पड़ेगा। दरअसल इसकी वजह इस आइलैंड का डिजाइन है। आइलैंड को समुद्री लहरों से बचाने के लिए पत्थरों को मिलाकर पानी में एक अर्धचंद्राकार 11 किलोमीटर लंबा ब्रेक वाटर तैयार किया गया है। ये ब्रेक वाटर इसलिए तैयार किया गया है ताकि समुद्री लहरों और तेज हवाओं का इस आइलैंड पर कोई असर ना हो सके। मुकेश अंबानी ने दुबई में जहां ये नया घर खरीदा है वहां दुनिया के कई अमीर लोगों के घर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकेश अंबानी के नए पड़ोसी ब्रिटिश फुटबॉलर डेविड बेकहम होंगे। यही नहीं, बॉलीवुड मेगा स्टार शाहरुख खान जैसे दिग्गजों के घर भी इस आइलैंड पर हैं। तो ये थी मुकेश अंबानी के दुबई में लिए गए नए घर की पूरी जानकारी। ऐसे और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर आपके साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।